बाहर ले आता है। लेकिन डॉक्टर साहब सर सैयद डे के साथ मामला ये है, उसके साथ बिरयानी का मामला भी बहुत है। दो चार चीजें सिर्फ आपके समक्ष रखना चाहता हूं आपके सामने। ये जो है देश की वर्तमान स्थिति और मुस्लिम नेतृत्व की मायूसी, सच कहूं तो मुसलमानों की मायूसी है, मुस्लिम नेतृत्व की मायूसी नहीं है, मुसलमान मायूस है। मुस्लिम नेतृत्व, मेरा अपना मानना, मुसलमान इस पूरे देश में मायूस, और ये मायूसी आज की नहीं है, ये मायूसी 70-72 सालों की। सिर्फ फर्क इतना पड़ा ना कि जो पर्दे में छुपा हुआ था, ढका हुआ था, वो खोल दिया है। पहले अलग तरह के मसाइल थे। सबसे मैं दो छोटी छोटी चीजें, अभी अग्रवाल साहब ने मेरे एक भाषण का जिक्र किया, मैं एनआरसी पे बोल रहा था। असम में मेरे बहुत सारे दोस्त, मैंने एक हिस्सा अपने जिंदगी का असम में बिताया है। मेरा मानना है कि असम में एनआरसी के मामले में जो हुआ और जो मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैं वर्बेटिम आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मैंने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, अगर स्वर्ग नाम की कोई चीज होती होगी ऊपर, और जहां मोहम्मद अली जिना और महात्मा गांधी मिलेंगे ऊपर, तो बापू कहेंगे जिना तुम जीत गए, मैं हार गया। 72 साल पहले जिस मुल्क की मैंने तामीर की थी, आज मेरा मुल्क तुम्हारे मुल्क के रास्ते पर चल पड़ा। तो बापू की 150वीं जयंती पे वीर सावरकर के अलावा अगर बापू को हमने कैसे याद किया है, तो एनआरसी। बापू इस मुल्क को इजराइल नहीं बनाना चाहते थे। मैं आप सबसे विद्वान लोग हैं, आप जानते होंगे, अगर मैं बापू की फिलिस्तीन पे लिखी चिट्ठी, फिलिस्तीन पे जो बापू ने लिखा, आज मैं सीधे महात्मा गांधी नाम काट दूं और अपना नाम डाल दूं ना, तो शाम तक सारे टेलीविजन चैनल मुझे बता देंगे कि इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, ये ISI का एजेंट है, इसने पैसे खाए हुए उनसे। सर सैयद डे पूरे मुल्क में ही नहीं, दुनिया में जहां भी उनकी रोशनी से लोग दुनिया को देखा है, वे सब लोग आज अपने अपने ढंग से सर सैयद डे मना रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, हो सकता है कि शकील साहब भी जानते हो, खगड़िया के हैं, डॉक्टर आसिफ दाऊदी नाम, अभी वो रियाद में हैं। उन्होंने सर सैयद डे पे एक पोस्ट भेजा छोटा सा मुझको, मुझको लगा कि आप लोगों के बीच भी मैं शेयर कर लूं, अच्छा पोस्ट है। मतलब मुझको अच्छा इस वजह से लगा, आप इसमें सच्चाई कितनी है वो दाऊदी साहब भी बताएंगे, मगर वो जिम्मेदार आदमी है और मुझको लगता शायद अली भी है। तो उन्होंने भेजा दी लास्ट मैसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, इसमें बहुत छोटा सा है कि माय डियर चिल्ड्रन, यू हैव रीच्ड ए पार्टिकुलर स्टेज एंड रिमेंबर वन थिंग, देयर वॉज अंडरटूक द टास्क, देयर वॉज ए क्रिटिसिज्म ऑल अराउंड अगेंस्ट मी, एब्यूजेस सो डिफिकल्ट, फॉर दैट
आई एज्ड बिफोर माई एज, आई लॉस्ट माई हेयर, माई आई साइट, बट नॉट माई विजन. माई विजन नेवर डीम्ड माई डिटर्मिनेशन, नेवर फेल्ड. I built this institution for you and I am sure you will carry the light of this institution far and wide till darkness disappeared from all around. ये उनका last message. मौजू ऐसा है कि जिस पर घंटों बोला जा सकता है, मगर ना आपके पास वक्त है ना और लोगों के पास वक्त है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर अल्फाज में अपनी बातें रखूं. यकीनी आज 17 अक्टूबर सर सैयद की यौम पैदाइश का दिन है, जिसे दुनिया भर में जो अली हैं वो सर सैयद डे के हैसियत से मनाते हैं. मुझे भी मौका मिला है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर सर सैयद डे के तकरीब में शामिल होने का. मैं अलीगढ़ का तालिब इल्म तो नहीं रहा, मगर अलीगढ़ के कोर्ट का मैं मेंबर हुआ करता था, इसलिए अलीगढ़ के लोगों को जानने का समझने का, मेरे घर के काफ़ी लोग अलीगढ़ में पढ़े हैं, और इस बात को कहने में मुझको कोई झिझक नहीं है कि जिनसे भी बिना किसी एक्सेप्शन के अलीगढ़ में जिन्होंने तालीम हासिल की है उनसे पूछा कि आपके ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्फा कौन सा गुजरा, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन हर आदमी ने कहा कि वो वक्त जो हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम के दरमियान गुजारा है. ये सर सैयद की बनाई हुई जो तंजीम है, ये सर सैयद की बनाई हुई जो यूनिवर्सिटी है उसकी खासियत है. इसलिए वो खराज अकीदत के मुस्तहक हैं और आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी. जैसे जैसे इस मुल्क में और दुनिया में इल्म की रोशनी फैलेगी सर सैयद को लोग याद करेंगे. मगर हम अपने कलेजे पर हाथ रख के सोचें कि क्या इस मुल्क के मुसलमानों ने आज किसी से, आपको मौका मिले या नहीं मिले, किसी भी तरह बताएगा कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, ये अलीगढ़ में पढ़ता है. मगर ज़रा कलेजे पे हाथ रख के सोचें कि क्या इस मुल्क के लोगों ने, जिनके लिए सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, जहां आज पढ़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं, हमने या हमारे अजदाद ने सर सैयद के साथ इंसाफ किया? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया है और ताकत को ही पूजा करने लगे हैं. हर इंसान ताकतवर के पीछे भागता है, हर इंसान ये सोचता है कि फला एमपी है, फला एमएलए है, फला ये है. अगर कोई हमारा बड़ा आलिम, कोई बड़ा नेक जय्यद आलिम और नेक इंसान, शरीक इंसान हमारी महफिल में आता है तो उसके लिए हम कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको बढ़ के आगे मुसाफा करने को तैयार नहीं है. लेकिन कोई फलाना सिंह, फलाना 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 अगर आ गए, कोई एमएलए है, एमपी है, कोई है, कुछ है, खा वो आपके हमदर्द है या नहीं है, एक किलोमीटर आगे बढ़ के उनको लपक के आदाब आदाब आइए, अपनी कुर्सी दे देंगे, अपने जायदाद को भी समझने को तैयार रहते हैं, उनको देने के लिए तैयार रहते हैं. इस बात को और करना पड़ेगा. कयादत मुसलमान तो मायूस है ही, मुझे तो लगता है कि कयादत भी अपने कौम से मायूस है.